आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रिजल्ट 88.78% रहा है। बोर्ड ने यह भी तय किया कि टॉपर्स लिस्ट इस बार नहीं घोषित की जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण बनी स्थितियों के बीच जहां सभी को रिजल्ट का इंतजार था, वहीं टॉपर्स लिस्ट पर भी सभी की निगाहें थी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला किया है। इधर बता दें, त्रिवेंद्रम बोर्ड इस बार टॉप पर रहा, वहीं पटना बोर्ड इस बार सबसे कम रहा। इस बार 12वीं की परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 10,49,080 बच्चे पास हुए हैं। इस बार का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में सुधरा है। पिछले साल 83.40% बच्चे पास हुए थे। फिलहाल पिछले साल भी बाजी लड़कियों के हाथ लगी थी। पिछले साल 92.15% लड़कियां पास हुई थी, जबकि लड़कों का परसेंटेज 86.19% रहा था। वहीं ट्रांसजेंडर स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज 66.67% रहा। CBSE बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 12वीं में इस बार त्रिवेंद्रम रीजन का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, वहीं सबसे कम पटना रीजन का रिजल्ट रहा। पटना में इस बार 74.57% बच्चे ही पास हो पाए। बोर्ड ने रीजन वाइज रिजल्ट जारी किए। इसमें नेपाल भी टॉपर रीजन की लिस्ट में शामिल रहा। इसमें भोपाल भी टॉपर रीजन लिस्ट में शामिल रहा। भोपाल रीजन का रिजल्ट 90.95% रहा। दरअसल इस बार COVID-19 की स्थिति के चलते सभी परीक्षाएं नहीं हो पाई। ऐसे में बोर्ड को शेष बची परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। बोर्ड ने दूसरे तरीके से रिजल्ट तैयार किया। जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड की सभी परीक्षाएं दी हैं, उनका रिजल्ट सामान्य तौर पर तैयार किया गया। वहीं जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज़्यादा परीक्षाएं दी हैं, उनकी बची हुई परीक्षा के लिए उनका रिजल्ट बेस्ट ऑफ 3 के एवरेज नंबर के हिसाब से दिया गया है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। इधर 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बच्चों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी बात की। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।